आज मेरा सीधा सवाल है बिहार की जनता से, आप अगला सीएम किसको देखना चाहोगे बिहार में? एक पढ़े लिखे इंजीनियर यानी कि जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है उसको, या फिर एक मंत्री का बेटा अंगूठा टेक तेजस्वी यादव को? जी हाँ, क्लियर फर्क है, पहले फर्क सुन लीजिए उसके बाद आप कमेंट जरूर करना। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सोशल मीडिया की हम बात करें तो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि मनीष कश्यप के 4 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर हैं, और आप दूसरी तरफ एक अनपढ़ को देख सकते हैं, इस अंगूठा टेक को देख सकते हैं, इसके 2.5 मिलियन है। और हम बात करें आगे तो ऐसे ना जाने कितने पेज, कितने YouTube और ना जाने कितनी जगह सोशल मीडिया पे मनीष कश्यप का कितना है, आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक का यानी कि पिता जो है वो फौज में है, आज भी देश की रक्षा कर रहे हैं, वो बॉर्डर पे खड़े हैं, और एक का बाप आज भी यानी कि घर में पड़ा पड़ा बिहार पर राज कर रहा है, पहले से ही सीएम था और अब अपने बेटा को सीएम बना रहा है। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर, यहां पे ये फर्क है। एक हो गया यानी कि जो इंजीनियर की पढ़ाई की है, और एक हो गया जो 9वीं में फेल हो गया यानी कि मंत्री का बेटा तेजस्वी यादव अंगूठा टेक जो 9वीं में फेल हो गया। अब इतना ही कह देने पर ये गिड़गिड़ा जाता है, और आज इसकी जब सरकार है तो आज ये यानी कि मनीष कश्यप को बड़े आसानी से जेल में डलवा देता है, क्योंकि वो एक गरीब घर से है, उसके पास पावर नहीं है। पावर है तो अंगूठा टेक के पास है, पावर है तो 9वीं फेल के पास है, पावर भाई इनकी है। तो सबसे क्लियर बात तो ये हो गई। और दूसरी बात दोस्तों, हम बिहार की बात करें कि बिहार को कौन आगे बढ़ा रहा है, चलो पढ़ाई लिखाई से भी मतलब नहीं है, तो बिहार को आगे बढ़ाने की कौन सोचता है? क्या ये अंगूठा टेक सोचता है बिहार को आगे बढ़ाने की? कोई रोजगार लाया है बिहार में आज तक? कोई रोजगार है बिहार के अंदर आज तक? आपने सबने देखा होगा कि बिहार के लोग ज्यादातर बाहर जाते हैं, ज्यादातर बिहार के लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? कोई रोजगार ही नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां पे कुछ करें जो मतलब अपने बिहार को आगे बढ़ाए। और एक बेचारा दिन रात अपनी मेहनत करके बिहार को, अभी तो पावर नहीं है इतना तो जब है, और एक है ना वो माइक की पावर, वो माइक की पावर भी अब ये छीन ली जा रही है यानी कि अंगूठा टेक के द्वारा, क्योंकि अंगूठा टेक की पोल पट्टी सब कुछ खुल रही है, इसलिए जेल में डलवा दिया। अब देखिए, जो तेजस्वी यादव के जो फॉलोवर्स है 2.5 मिलियन, ये भी इसके बाप के राज से हो गया, क्योंकि इसका बाप शुरू से ही सीएम बना है, तो इसके बाप के दम पे हो गया। ठीक है ना, ये अपने बाप के कंधे पे चल रहा है। और एक देख लीजिए, जो अपनी मेहनत करके आज 4 मिलियन पार कर दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश की भलाई के लिए सोचता है, और जो इनका पिता है वो देश की आज भी सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों क्लियर है, आने वाले टाइम में अगर बिहार के लोगों को अपना भविष्य देखना है, अपने बिहार को देखना है, नया बिहार बनाना है, बिहार में रोजगार पैदा करना है, बिहार में तरक्की चाहते हो, तो मैं कहता हूं कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को आप भूल मत जाना। और मनीष कश्यप को जैसे ही जेल, देखिए सीधी सी बात है, मनीष कश्यप जेल से तो आना ही है, आज ना तो कल, कल ना तो परसों, ये तो पक्की बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि अंगूठा टेक को किस तरह से इसे दिखाना है, कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करें, एक का मतलब क्लियर है, दोनों में एकदम क्लियर है, मतलब ना ये फॉलोवर में आ गए, ना ये जनता के काम में आ गए, और ये अंगूठा टेप ये मतलब सोशल मीडिया पे फॉलोवर में आ गए, ना ये मेहनत करने में आ गए, ना ये बोलने में आ गए किसी भी चीज में, ना नॉलेज की, इसे नॉलेज भी नहीं है इतनी। और एक ऐसा बंदा जिसको नॉलेज भी है और जबरदस्त तरीके से देश को, अपने बिहार को आगे बढ़ाने की बात करता है। बिहार की जनता कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपके मन में क्या है, और किसको आप चाहते हैं कि अगला सीएम बने। जय श्री राम।